तो चलिए अब बात करेंगे मंदिर या मस्जिद, सर्वे से होगा समाधान। जी हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की जारी है, सर्वे की टीम 41 सदस्य पहुंच गए हैं। सर्वे के दौरान चारों महिला वादी, चार वकील भी मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष ने किया सर्वे का बहिष्कार। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आदेश का इंतजार है। सर्वे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है। सर्वे पर क्या कुछ कह रही है काशी की जनता, अब आपको वो भी सुनवा देते हैं, क्योंकि सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन काशी की जनता के मन में क्या है जानिएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है। हम मौजूद हैं इस वक्त ठीक काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के में मौजूद कचौड़ी वाली गली में। हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और चूंकि बनारस की जो खासियत है वो कचौड़ी से है, तो ऐसे में यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं जो सालों से यहाँ पर रहते आए हैं, उनका बचपना यहाँ पर गुजरा है, वो क्या कुछ इस सर्वे को लेकर सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया नीलू गुप्ता जी। सर्वे शुरू हो चुका है और क्या कुछ उम्मीद लग रही है आप लोगों को? जो भी होगा अच्छा होगा भैया, जो आगे भी होगा वो भी अच्छा होगा। सर्वे तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इसका निर्णय निकलना चाहिए अब, क्योंकि 2024 आ रहा है, हो जाएगा बदलाव तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। क्योंकि बनारस की पहचान कचौड़ी से है, और सर्वे आप बता रहे हैं तो आपने बचपन यहाँ गुजरा आपका, क्या कुछ आप लोगों ने देखा? पहले तो हर गली मोहल्ले से कहीं से भी चले जाते थे हम लोग, जब से योगी जी आए थोड़ा इधर उधर हो गया है। सर्वे से उम्मीद है कुछ? एकदम उम्मीद है भैया, 24 तो फाइनल है। मोदी जी बोली दिए हैं कि इसको मंदिर को मस्जिद कहेंगे तो भाई दिक्कत होगा ही, इसलिए मंदिर बोलेंगे तो ज़्यादा निर्णय पहले निकल जाएगा। और भी लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार सर। अश्विनी जी, कचौड़ी की दुकान पर आप मौजूद हैं, कचौड़ी वाली गली है, क्या कुछ आप लोगों ने देखा यहाँ पे? आप लोग स्थानीय? हम लोग स्थानीय हैं, हम तो यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, और हम लोग पहले इसमें साइड में शाखा लगती थी, शाखा खत्म हो जाता था तो हम लोग उसी के अंदर जाके खेलते थे, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, शायद आप लोग को नहीं पता था, मस्जिद में ताला नहीं दलाल का दीवाला नहीं, तो उसमें गेट वेट कुछ नहीं होते थे, हम लोग अंदर जाके खेलते थे। तो हमने अपने आँख से देखी है, अंदर अंदर गुम्बज के अंदर कमल का फूल बना हुआ है, सखिया बना हुआ है, शंख बने हुए, ये सब चीज़ें तो देखी है हमने, अपने आँख से देखी है। फिर जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आ गई तो सब जाना वाना हम लोगों का बंद हो गया, और उस पर जो पेंटर है जो हम लोग के घर पर पेंट करता था वही यहाँ भी पेंट करता था, तो वो बताता था कि भैया विदेश से पेंट आता है, इतनी मोटी मोटी पेंट उस पर पुतवा कि वो सारी चीज़ें ढकी गई हैं, वो तो ऐसा ही सर्वे में सब बाहर आ जाएंगी निकल के। वो सब सारा मेरा हम लोगों का बचपन, ये जबरदस्ती का है, ये जबरदस्ती का है, और इसको हटना चाहिए, क्योंकि वो हमारा देव स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, महादेव का स्थान है, उसको पुनः मंदिर बनना चाहिए, यही काशीवासियों की मांग है। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र गोस्वामी, जिला मंत्री विद्युत मजदूर। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पर जो है सर्वे में आ पाएगा? बाबा 500 का भैया कारावास में रहलन, साँच को आँच नहीं, बाबा स्कूल बेड़ी जंजीर कुल तोड़ ताड़ के बाहर रही है। हम लोग काशीवासी है, मस्त है, और उन्हीं के आशीर्वाद से मस्त रहीला, कचौड़ी खाईला, नीलू भैया का क्रिकेट खेलीला, और बिजली भाग में है भाई साहब, अब जिला मंत्री है, और बाबा आई है कुल बेड़ी कारावास तोड़ के आई, कोई रोक सके लाना है। अच्छा, हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम अंकित शर्मा है, मैं जिला गाजियाबाद मोदी नगर से अपनी भाभी माता के साथ में आया हूँ। मेरी भाभी माँ को मैं दर्शन कराने लगा, जब मुझे कल पता चला कि यह ऐतिहासिक फैसला आया है तो मैं इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरा मानना यह है जो भी सर्वे होगा, जो अंदर शिव जी का त्रिशूल है, शंख, जितना भी मिल रहा है वो सब निशानी जो है वो बाबा की है, और मंदिर ही बनेगा वहाँ पे। जय बाबा कृष्णनाथ की जय हो, हर हर महादेव। जो लोग हैं वो इस वक्त कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं, और चूंकि सुबह का वक्त है तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है कचौड़ी का जो है आनंद लेते नजर आ रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें दे सकते हैं कि यहाँ कचौड़ी वाली गली में हर चीज पर चर्चा होती है, और ये ठीक वही इलाका है जो पश्चिमी दीवार की तरफ का इलाका है, वो उसी की गली है, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं इस सर्वे से क्या कुछ जो है सोचते हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बनारस की वो कचौड़ी वाली गली है जहाँ पर लोगों ने इस पूरे मंदिर के परिसर को पूरे जो है बचपन से देखा है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लघुवंशी, डी मीडिया, वाराणसी।
वहीं सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की महिलावादी सीता साहू ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे की आज तिथि है और जिस तरह से हिंदू पक्ष ने इसको लड़ाई के तौर पर पूरी तरह से चैलेंज के तौर पर ले रखा है, आज एक बार फिर से सर्वे होने जा रहा है, वैज्ञानिक सर्वे होने जा रहा है। हमारे साथ सीता साहू जी मौजूद है जो इस पूरे मामले में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वादी हैं। सीता जी चल रही हैं आप और आज ये पैदल चलना, दर्शन के लिए तो हमेशा जाती हैं, पैदल चलना कितना महत्वपूर्ण मन में किया? पैदल मैं हमेशा ही दर्शन करने जाती हूँ और आज मन में एक उत्साह है कि आज सर्वे आज से शुरू हो रहा है तो काफ़ी कुछ सच्चाई सामने आएगा। सर्वे होगा तो वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे होगा, दूध का दूध और पानी का पानी जाएगा। सिर्फ सत्य छुपा रहे हैं, बहुत दिनों से लोग छुपा रहे हैं कि नहीं हमारा मस्जिद है, तो ये आज साबित हो जाएगा सर्वे के दौरान। वैज्ञानिक पद्धति से होगा तो बहुत से ऐसे तथ्य सामने आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो मंदिर आज का नहीं बरसों पुराना है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है और अनगिनत अनगिनत तथ्य सत्य सामने आ जाएंगे। सवाल ये है कि आप लोग जब पहुंचेंगे वहां पर तो आज सर्वे टीम से अगर मन में क्या है, क्या कहेंगे कि सबसे पहले सर्वे की शुरुआत कहां से? मेरा प्रयास रहेगा कि जहां गुंबद है तीनों और बीच वाला जो गुंबद है जहां थप थप की आवाज़ आती है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनसे कहूँगी कि पहले वहाँ पर जांच हो, ताकि मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ एक और शिवलिंग है, बाबन सुनाथ जी का शिवलिंग वहाँ पे है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि वहाँ पे हो, बाकी सर्वे टीम जैसा। तो आज हर हर महादेव का उद्घोष। वह हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है इस सर्वे की शुरुआत पर ये भी आप जानिएगा। सामने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सर्वे की प्रक्रिया और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी आपसे जानेंगे आज का दिन कितना उत्साह। अब आज का दिन तो बड़ा ही खुशी का और बड़ा ही समझ लीजिए कि ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। साइड में लगाइए, ऐतिहासिक दिन हमारे लिए है ये दिन। शुरुआत कहाँ से होगी सुभाष जी, शुरुआत कहाँ से होगी, क्या कहना है और क्या आप लोगों के मन में? पूरी सर्वे की रूपरेखा जो एसआई ने पिछले दिन जो सर्वे किया था उसमें तय कर लिया है, इसलिए अब उन मेजरमेंट हो चुका है, वो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे अब अपने हिसाब से। शुरुआत तो करना ही है भाई, वहीं से जो है अब वो तय करेंगे कहाँ से शुरू करना है। तो वो तय करेंगे शुरू करना कहाँ से, लेकिन सुभाष जी आज आप लोग सुबह सुबह पहुँच रहे हैं, जिस तरह से 16 लोगों की लगभग अनुमति कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, मन में क्या है, उत्साह कितना, जिस तरह से मैं लगातार उत्साह पूरी तरह है भाई, ये तो खुशी का दिन है ना। समय लड़ाई लंबी लड़ी चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल, काफी लड़ाई लंबी लड़ने के बाद आज ऐतिहासिक दिन है और आज हम लोग जो है कहिए कि सफलता की ओर आज ये कदम हमारा बढ़ जाएगा। मुस्लिम पक्ष साथ है आपके, मुस्लिम पक्ष और उसके अधिवक्ता आपके साथ जाने के लिए राजी हैं? अब ये तो चलने के बाद पता चलेगा कि वो भीतर आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी तो हम लोग स्वयं बाहर हैं, अब भीतर अब आने के बाद पता चलेगा भीतर कि कौन कौन है। अब हम लोग मुस्लिम पक्ष को आना चाहिए क्योंकि मीटिंग उनकी प्रशासन से हो चुकी है, इसलिए जो सारे वार्ता हो चुके हैं और वो हमारे ख्याल से भाई जहाँ तक हमारी सूचना है कि मुस्लिम पक्ष भी आज रहेगा। तो सुभाष नंदन चतुर्वेदी हिंदू पक्ष के ये अधिवक्ता हैं और ये भी मंदिर की ओर ज्ञानवापी परिसर की ओर आगे बढ़ते हुए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आज बनारस में है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का घेरा है और इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना है। तो हिंदू पक्ष के लगभग सभी लोग अब ज्ञानवापी परिसर की ओर पहुंचते हुए, पहले 4 लोगों का प्रवेश हो चुका था, अब सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सीता साहू भी मंदिर की ओर और या कहें कि ज्ञानवापी परिसर की ओर आगे बढ़ते हुए। कैमरामैन